श्रीमा वेकनाथार्यकर्किकेसरी वेदाताचार्यवे सन्निधत्ता सदा श्रीस्तुति में आज हम बारवाँ श्लोक देखने वाले हैं श्लोक है आसंसारम्बित वाँ यभूति यद्रूभंगा कुसुम धनुष किंक मे यम्यम नयनशतक्यो महेन्द्र पद्म परिणतिरसौ भावेश अर्थात लक्ष्मीजी की स्तुति करते आ रहे हैं वेदांत देशिक जी इस श्लोक में सरस्वती पार्वती इसी प्रकार इंद्राणी ये तीनों तीन भी आपकी कृपा की वजह से ही अपने अपने पतिदेव को अपने वशीभूत करके रख पाते हैं और आपकी आपका संकल्प इस प्रकार है लक्ष्मी देवी आप सरस्वती जी को और पार्वती जी को और इंद्राणी को भी आप संभालते हैं आप उनका एशस का कारण बनते हैं सामान्यतः यद्य विभूतिमत्सत्व श्रीमदर्जित में तदेव अवगतत्व मम तेजोश संभव इस प्रकार गीता में भगवान जो जो भी ऐश्वर्यशाली और विभूतिशाली होते हैं वो सब भगवान का अंश है ऐसा बताए हैं उसी प्रकार जो जो भी वस्तु चमकता है वो सब लक्ष्मी जी का ही अंश है जैसे पार्वती सरस्वती और इंद्राणी तीनों तीन चमकते हैं और उसका कारण भी लक्ष्मी जी ही हैं ऐसा कहते हैं उसके लिए श्लोक इस प्रकार है आसंसारम विततम अखिलम वाँ्म यदि ही इस संसार में संपूर्ण संसार में आ संसारम इस आ का मतलब है संसार में चारों ओर भरा हुआ शब्द है बहुत सारे शब्द हैं विततम अकिलम वांग्मयम विततम सविस्तर इस दुनिया में बोले बोले जाने वाले हरेक वाणी वो भाषा कुछ भी हो सैकड़ों भाषाएं इधर प्रचलन में हैं, वो सब यद्विभूति ही जिस सरस्वती जी का ही ऐश्वर्य है वांग्मयम यद्विभूति ही इस दुनिया में विस्तृत दुनिया में रहने वाला विस्तृत वांग्मय सब सरस्वती जी का ही वैभव है वो सरस्वती जी लक्ष्मी जी की कृपा से चमकते हैं उसी प्रकार यद्रुभंगात कुम धनुषहा किंकर मेरुधनवा मेरुधनवा मेरु को धनुष के रूप से रखने वाले जो शिवजी हैं वो शिवजी भी यद्रूभंगा जिस पार्वतीजी के ब्रूभंग अर्थात उनके आंख के इशारा के लिए कुसुमुषा किंक कुसुमु अर्थात मन्मथ है कुसुम बाण अर्थात पंचबाण ऐसा भी नाम है अरविंद अशोक चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणसाय ऐसा ये सब फूल मनमत के लिए बाण होते हैं जिस पुष्प बाणों से वो तीर तीर में लग, लगा कर पुष्पों को युवाओं को निशान बनाकर चलाने की वजह से वो युवाओं में और युवतियों में प्रेम का उत्पादन कर पाता है ऐसा शास्त्र मर्यादा है ऐसे पुराणों की मर्यादा है उसी के आधार पर मनमत ही शिवजी और पार्वती के बीच में भी अनुराग करवा रहा था उसे दूर से देखकर उसको जला दिए हैं शिवजी यद्यपि तो भी वो मनमत का किंकर बनने के लिए चाहते तो हैं क्योंकि पार्वती जी की इशारा पाना है तो मनमत की कृपा चाहिए मनमत को जला तो दिए बाद में वो शरीर नहीं है परंतु मनमथ अभी भी विराजमान है वो अभी भी सब लोगों के मन में मंथन करके मनोमंथन करके और उसमें प्रेम रूपी अमृत को श्रवण करवा के अर्थात उसमें प्रेम को उत्पादन करके एक दूसरों के प्रति प्रेमोत्पादन करने में सक्षम हो जाता है वही पार्वती जी और परम शिव के बीच में भी प्रेमोत्पादन किया है इसलिए पार्वती जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए शिव जी सदा के लिए एक प्रकार का तड़पन रखते हैं उस तड़पन भी मनमत की वजह से होती है और जिस पार्वती जी की कृपा से पार्वती जी का, का आंख के एक इशारा प्राप्त करने के लिए शिव जी भी तत्पर रहते हैं उसका कारण भी लक्ष्मी जी की कृपा पार्वती जी के ऊपर है यही कारण है और यश्याम नित्यम नयनशत कई ही एकलक्ष्य है महेंद्र महेंद्र कह महेंद्र अर्थात इंद्र इंद्र जो है वो भी अपने हजारों नयनों से एक हजार आंक है सहस्राक्ष ऐसा उनका भी नाम है और वो जो सहस्राक्ष हैं इंद्र हैं वो अपने हजारों आंकों से जिस इंद्राणी जी को सदा के लिए देखते रहते हैं देखना ही चाहते हैं पसंद करते हैं यश्याम इंद्राणियाम नयनशतक ही एकलक्ष्य लक्ष्य महेंद्र और सैकड़ों आंखों से एक ही लक्ष्य बनाकर उतना हजारों आंख के लिए भी एक ही लक्ष्य है कौन है वो पार्व इंद्राणी जी हैं ये इंद्राणी हो और पार्वती हो और सरस्वती जी हो ये तीनों तीन तासाम परिणति ही तासाम इन उन देवताओं की इस प्रकार की जो अट्रैक्टिव परिणति है फीचर्स हैं उसके साथ जो परिणाम हुआ है अर्थात पार्वती का सौंदर्य रूपी परिणाम और इंद्राणी जी का सौंदर्य में आँख अर्थात एक हज़ार आंख को एक साथ प्रयत्न करके और जिसको ही देखते रहते हैं आ वो इंद्राणी जी और सरस्वती जी जिस हर एक दुनिया में विस्तृत दुनिया में रहने वाला शब्दकोश शब्द भंडार शब्द जिनका है वो सरस्वती जी तीनों तीन तासाम परिणति ही उस प्रकार का परिणाम जो है पहले ऐसे नहीं थे इतना अट्रैक्टिव बन गए हैं लोग उन तीनों के बिना न तो पार्वती जी के बिना शिव जी रह पाता है न तो इंद्रानी जी के बिना इंद्र रह पाता है न तो वाग्देवी के बिना ब्रह्मा जी रह पाते हैं इस प्रकार की जो परिणति हैं भावलेश तो आपकी एकदम भावलेश है अर्थात संकल्प छोटा सा संकल्प है उस संकल्प से ही इतना बन जाता है कि आपका सदा के लिए आपका कटाक्ष मिले तो हम लोग कितना प्रभुत्व को प्राप्त कर सकते हैं ये उद्देश्य है श्लोक का अन्वय इस प्रकार है पद्मे असंसारम विततम अखिलम वांगमयम यद विभूति मेरुधन व अर्थात मेरुधन विव यद्रुभंगात कुसुमदनुषा किंकर जिस पार्वती जी की कृपा कटाक्ष की वजह से पाने की वजह से और मनमत का सेवक भी बनने के लिए तत्पर हो जाता है शिवजी महेंद्र नित्यम यस्याम नयनशतक ही एक लक्ष्य जिनके जिनका जिनके ऊपर एक हजार आंकों से एक नयन शतक ही सैकड़ों आंकों से एक ही लक्ष्य बनाकर इंद्राणी जी को देखते रहते हैं तासाम इन तीनों देवियों का असौ परिणत ही इस प्रकार की जो पक्वता है परिपक्वता है वो आपके संकल्प मात्र से होता है छोटा सा संकल्प से होता है त्वीय तो ही भावलेष ही आपका ज़्यादा संकल्प नहीं संकल्प की एक दो बूंदें इतना काम कर देते हैं सरस्वती जी को और पार्वती को और इंद्राणी जी को अपने पतिदेवों को वशीभूत करने में ये काम आता है वो आपका कटाक्ष ही कारण है ऐसा लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं आ संसारम विततमखिल यद विभूति यद्रूभंगा कुसुम धनुष किंको मेरुन् यम नयन शतक्यो महेन्द्र पद्म परणतिरसौ भावेश कविताकिंहाय कल्याणगुणशालिनी සිමදේවිංකට ඒසාය වේධන්ත ගුරවී නමහා.